इंद्री से कांग्रेस प्रत्याशी नवजोत कश्यप ने नामांकन कर दिया है। नवजोत से हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ रमेश सिंह ने बातचीत की है। इंद्री विधानसभा में इस बार कांग्रेस अपना 2005 का इतिहास दोहराने की पूरी तैयारी कर रही है। खासकर इंद्री विधानसभा क्षेत्र में जो बीमारियां हैं उनको दूर करने के लिए कोई और नहीं, इस बार एक डॉक्टर प्रत्याशी के रूप में उतर आई है। नमस्कार। नमस्ते। क्या लगता है कि एक डॉक्टर होकर के क्या बीमारियां दूर करेंगे? मैंने सुना यहाँ कैंसर फैल रहा है, मैंने सुना यहाँ पे लोगों कह रहे हैं सड़कें नहीं बनी है, इसके अलावा तमाम इतनी समस्याएं हैं जिसको दूर करने के लिए लोग कह रहे हैं डॉक्टर की आवश्यकता है। बिल्कुल, डॉक्टर के पास बीमारी का इलाज होता है, तो इसीलिए कांग्रेस ने हमें प्रत्याशी बना के भेजा है कि हम लोगों की समस्याओं का, जो बीमारी की समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, ये समस्याएं हैं, इनको हम दूर करें। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हमने सभी हलकों में समान विकास किया और यहाँ से तो राज्य मंत्री भी थे, क्या लगता है कि स्थिति है कुछ विकास की आपको दिखता है? देखो जी, आप लोग ये बेहतर जानते हो कि विकास कितना हुआ है, जनता से पूछिए इस चीज़ के बारे में। किसी प्रमुख मुद्दे क्या है आपके, खासकर पूरे विधानसभा क्षेत्र? देखो, मेरा एक मुद्दा है, जैसे अभी पिछली सरकार जो भी है, सरकार रही है, उन्होंने यहाँ सरकारी लड़कियों, यमुना बेल्ट पे लड़कियों के जो सरकारी स्कूल थे उनमें कोई सुविधा नहीं दी। दूसरी चीज़, उन्होंने ये साइंस स्ट्रीम बंद करवा दी है, तो लड़कियों को पढ़ने के लिए इंद्री तक आना पड़ता है, कहीं ये सैयद छपरा की लड़कियों को कलसोरा तक जाना पड़ता है। इसमें क्या है, उनके पास बस ही नहीं है। जब लड़कियों के पास बस की सुविधा नहीं है, वो कैसे जाएंगी, किस तरह अपनी पढ़ाई करेंगी? ये सरकार वादा करती है कि हम स्त्रियों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं, ये कहाँ की शिक्षा है उनकी? 15 साल आपने राजनीतिक संघर्ष किया, उस बार पार्टी ने आप पे भरोसा जता के टिकट दी है, क्या लगता है साथियों कितना सहयोग मिल पाएगा? क्योंकि कांग्रेस में जो भी फिलहाल चल रहा है, लोग जो पहले साथ काम कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अब हट के अलग चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको नुकसान देगा या उनसे आप मनाने की कोशिश कर रही? देखो, जो लोग कांग्रेस ही थे वो कांग्रेस में ही है, कांग्रेस से कोई भी अलग होके नहीं गया। आज आपने हमारे नामांकन के समय देखा नहीं कि कांग्रेस के जितने भी पूर्व नेता हैं वो सारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कांग्रेस के तहत कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। पूर्व सांसद से भी आपका मुकाबला है, क्या लगता है टक्कर दे पाएंगे उनको? देखो, विश्वास है कांग्रेस, ये कांग्रेस का विश्वास है जो उन्होंने मेरे को वो टिकट दी है, तो मैं कांग्रेस का और अपनी इंद्री की जनता का विश्वास पूरा करूंगी। भाई साहब, क्या लगता है पूरे इलाके में? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने ग्राउंड लेवल पे काम किया और वो हमारे वोट बैंक को बढ़ाती है, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, चाहे इन सब चीज़ों से कैसे निपटेंगे? और सबसे बड़ी जीत है कि जीत दर्ज करने के लिए दो समाज के लोगों की यहाँ भागीदारी ज़्यादा मानी जाती है, कंबोज और कश्यप, एक समाज से आप रखते हैं, क्या लगता है समाज का साथ और तमाम प्रकार के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के मैदान में कैसे उतरेंगे? देखो, समाज की, व्यक्तिगत समाज की बातें वो लोग करते हैं जिनके दिमाग के अंदर घृणा और फितूर भरा रहता है। आज 36 बिरादरी को, सभी धर्मों को साथ लेके चलने की बात वो हम करते हैं, कांग्रेस पार्टी करती है, क्योंकि कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, हमारी तो शुरू से आइडियोलॉजी रही है। आज अगर कोई भी कम्युनिटी के ऊपर दम रख के ये कहता है कि मैं एक बिरादरी की वोट से जीत जाऊंगा, तो ये पॉसिबल, संभव है ही नहीं। आज 36 बिरादरी की बात जो करेगा, सद्भावना की बात करेगा, भलमानसी की बात करेगा, वही जीत चुनावी मैदान के अंदर जीत के जाएगा। और निश्चित तौर पर डॉक्टर नवजोत कश्यप, जिनको ये अवसर कांग्रेस पार्टी ने दिया है पूर्ण बहुमत के साथ, आज 4 तारीख है, आप लिख लो, 21 तारीख को कांग्रेस की पेटियां भरेंगी और 24 तारीख को डिक्लेयर होगा डॉक्टर नवजोत कश्यप इंद्री विधानसभा के लोगों की आवाज उठाने के लिए विधानसभा के अंदर बैठेंगे। बीजेपी की क्या स्थिति देखते हैं पूरे इलाके में? बीजेपी की स्थिति साहब, जो धार्मिक घृणा फैलाती है, नफरत फैलाती है, ऐसी पार्टी की हमारे देश के संविधान में और हमारे क्षेत्र में कोई जगह नहीं है। 75+ वो तो बात कर रहे हैं और वो सोचते हैं कि 75+ में एक सीट ये भी है जो 74 और एक ये मिलाकर के 75 आएगी, आप कह रहे हैं इस सीट पे तो संशय खड़ा हो गया। नहीं, इस पे संशय सबसे बड़ा ये है कि ये 75 पार की बात ये करते हैं कि हम 75 किलोमीटर के दूर के लोगों को वो विधानसभा के अंदर भेजेंगे, 75+ उम्र के लोगों को यहाँ पे मौका देंगे, उस 75 पार की वो बात करती है।